दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। दुबई में चल रहे क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी की पिक्चर आई है, लेकिन सारी तस्वीरें छानने के बाद भी पाकिस्तान के पीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब खुद पाकिस्तान के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई उनके गुमशुदा प्रधानमंत्री की तलाश में मदद करेगा। खड़ा होगा इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। यही तो बात है, मोदी जहां जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पसीराई होगी मेरे मजहब की, तो उसने बना दिया। पब्लिक डिप्लोमेसी है वो नरेंद्र मोदी की बड़ी तेज है। और एक तरफ हम जो है, जैसे मैंने वो आपको पीछे पिक्चर दिखाई, इस पिक्चर में अगर आप देखें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों आगे खड़ा हुआ है, सारी बात है, इंडिया का हुजम बड़ा है, वो मुल्क बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने में है। तो पाकिस्तान को पहले अपने पोटेंशियल की तरफ भी जरा देखना चाहिए कि वो जो है वो उसके पास है क्या, बना क्या रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ताकि वो किसी मुल्क के साथ बात करे। हुआ चलो इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम क्या, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इंडिया के साथ अगर आप बात करें फ्री ट्रेड की या आप बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इनसिक्योर और खौफजदा किस्म की क्लास है जो ये समझती है कि इंडिया हमें निगल लेगा। हमारे साहब से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे आई वांट रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी एम्बेसडर, मेरे एक दोस्त हैं वो यूएई में रहे हैं फॉर सम टाइम, मैं उनसे चेक करूंगा कि ये क्या मैकेनिज्म होता है, किस अंदाज कि साढ़े वजीर आजम रोटी खाता सी लेट हो गया, तो दैट इज़ वाई दे पुट हिम ऑन द बैक, खड़ा कर दिया है, या हमारे वजीर आजम किसी और जगह मसरूफ थे बिल्डिंग वेखन लग पे सन, दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड के पायन वो हो रहा है। उन्होंने COP 33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है, इसको जो है वो कैसे ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर की है कि COP 33 भी लॉन्च कर दो, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है पहले और मुल्क, ठीक है जी फिर बाद में हमें, उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना है, ये सारा कुछ उन्होंने कर लेना है। और वो कह रहे हैं जी आप सारी बात है 2033 वो कर सकते हैं, ठीक है जी, बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उसी वक्त चढ़ा रहे हैं। एक तस्वीर तो बड़ी अजीब किस्म की है जिसमें मैं आई कैन सी एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट, और वो जो तस्वीर थी दैट वाज वेयर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो खड़े हुए हैं इजिप्ट के जो बादशाह किंग अब्दुल्ला टू के साथ, और उसके पीछे आप देखें तो हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा और आई थिंक हमारे एम्बेसडर हैं या पता नहीं कौन है, तो वो पीछे से आई कॉन्ट शो इट यू दैट वे एनी हाउ, वो कह रहे हैं कि यार है की हो रहा है, मतलब एंड दैट वुड हैव बीन अ गुड मोमेंट कि अगर कोई तस्वीर आ जाती मोदी साहब की और काकड़ साहब की शेक हैंड की, वो मोडा ही मार लेंगे एक दूसरे नो, बट ऐसा कोई वो नहीं आया। सो आप देखें जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल जाके देखें कि वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब एक कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि यूएन में जाके वो जिसे कहते हैं ना उधर इस समिट में जाके सबसे एक्टिव है, सबसे एक्टिव है। ही इज़ नॉट, ही मे बी एक्टिव फॉर हिमसेल्फ एंड ही लाइक्स इट मे बी, ये चीज़ें बड़ा एक्टिव होना, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ समझने की है वो ये है यार कि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो अगर आप उनको हल्की फुल्की छिछोरियाँ मार भी रहे हैं तो यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स नॉट अबाउट ऋषि सोनक से मिल रहे हैं, ठीक है जनाब, फिर वो ये जो है प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर
जो थे पीएम, फिर उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं। सो ये आप देखेंगे वो कितना एक्टिवली पोर्ट्रे कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, लोगों को मिल रहा है, यूएन जनरल सेक्रेटरी को मिल रहा है। ये ऑप्टिक्स आनी चाहिए थी। फिर आप पैगाम देते हैं कि जी दिस इज व्हाट वी वांट। अगर उन्होंने कहा है ना कि ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है कि जी जो स्पेशल एड्रेस किराया गया है उनसे, स्पेशल एड्रेस थी जैसे मैंने कहा है कि वो एक एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट। अब नरेंद्र मोदी ने पीछे अपनी टीम रखी हुई है जो टीम उनको बता रही है कि भाई उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे बोलना है, उन्होंने कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये कॉप 20 के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने बस क्या है, पैसे दे दो, जो है ना पैसे पढ़ा दो, ठीक है जी, और वो पैसे सन दे दो किसी तरीके में। एक की गल मैंने तो जहाँ पे देखा है उन्होंने यही कहा है कि वो पैसों को फंड का जो है ना आइडिया दो यार, किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर बनवाओ, इनसे कहो कि हमारे इधर इस्लामाबाद में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और बड़े किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर बनवा दो, हम कहें यार के ये चीज़ें हुई है ना, कोई कोई बताओ। लेकिन सारा टाइम सिर्फ एक ही बात करना, पैसे पैसे, लॉस एंड डैमेज फंड के पैसे, आप कैसे चीज़ों को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, कोई इससे फ़ायदा उठाएं जो एक साइंटिफिक तरीके से आप ये दुनिया को कह सकें कि यार हमने, हमें ही तो ये यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तो अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है, हमारे तो स्कूल में करिकुलम के हवाले से हमें ये चीज़ दें, ठीक है। सो इनसे कोई कमिटमेंट करवा लें, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो सिर्फ पैसे ना पकड़े इस चक्कर कि यार सानू पैसे दे दो। सो ये जो वो हमारे तारड़ साहब कहते हैं पैहे पैहे पैहे, सो ये वो डोंट गो फॉर दैट पैहे पैहे पैहे, गो फॉर समथिंग, कोई आइडिया लेके जाओ, उस आइडिया की बेस के ऊपर आप जो है, ताकि दुनिया के यार ये तो बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं। सो हमारे पास आजकल बड़े यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट घूम रहे हैं, मेंटलिस्ट नहीं एनवायरमेंटलिस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो घूम रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं हमारी, सो विच इज़ वेरी गुड, वी लाइक इट के ठीक है, एक इमर्जिंग फील्ड है, इसमें दुनिया बड़ा इन्वेस्ट कर रही है। और आप देखें, मैं आई लिव इन इस्लामाबाद एंड आई बिलीव कि ये इस वक्त हमारा जो माहौल है वो कितना ज़्यादा जो सर पोल्यूटेड है। मैं जब रात को बाहर निकलता हूँ तो वो जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं मेन रोड्स के ऊपर, तो उससे आपको पता चलता है कि नीचे वो कितनी ज़्यादा स्मोक टाइप चीज़ नज़र आती है, ऐसे लगता है कि जैसे शायद धुआं है लेकिन वो स्मॉग होती है। इसी तरह लाहौर है हमारा पोल्यूटेड, रहने के काबिल नहीं है। सो वी शुड हैव कम अप विद आइडियाज, कोई ऐसी कोई चीज़ करें जिससे दुनिया के यार दे आर इन पेन, दे आर इन रियल पेन, दे आर नॉट द पीपल हु आर फॉर द मनी। हमारे बारे एक और तासर भी बढ़ता जा रहा है कि यार ये लोग ना सारा टाइम जिसे कहते हैं ना कि वो हैं लुकिंग फॉर मनी, ठीक है जी।